चलिए जी, बस लंबा समय हो गया, लंबा समय हो गया, सत्ता पक्ष बोल रहे हैं कि सत्ता पक्ष को ये भी पता होना चाहिए कि नेता के साथ साथ हम बेटा भी हैं। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आदरणीय लालू जी की तबीयत जो है वो काफ़ी अभी ध्यान रखने की ज़रूरत है, और लोग जो है वो कर रहे हैं, और कोविड का दौर भी था, और नीतीश जी ने तो अपने सारे प्रभारी मंत्री हो या जितने जनप्रतिनिधि हो सबका हाथ पैर ही बांध रखे थे। लालू जी की तबीयत कैसी है फिलहाल? बातचीत चल रही है, डॉक्टर की निगरानी में है, और हमको लगता है कि जल्द मेरे ख्याल से कुछ दिनों बाद उनका पटना जो है आना हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर से कह रहे हैं कि उनके नेता, देखिए देश भर में महंगाई चरम सीमा पर है। बिहार में अगर बात की जाए तो 27 जिलों में पेट्रोल ने हाफ सेंचुरी मार दी है, 27 जिलों में हर एक चीज़ का दाम जो है बढ़ चुका है, महंगाई पूरी तरीके से बिहार में देश भर में लागू है। लोग जो है रोज़गार के लिए, रोज़गार के तलाश के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, डिग्री लेकर के भी उनको नौकरी नहीं मिल रहा। तीसरी बात अगर हम लोग करें तो जितने छोटे मोटे जो व्यापार थे, दुकान थे, सब कुछ बंद हो चुका है। और नीतीश जी की तो आदत थी कुछ जो शेष जो जीवन का जो बचा हुआ है उसके चक्कर में पूरे बिहार को जो है बर्बाद करने में तुले हुए हैं। नीतीश कुमार जी का तो जोड़ तोड़ और तिगरमबाजी से ही वो मुख्यमंत्री बने हुए, ये हर कोई जानता है। अब क्या करते हैं नहीं करते हैं, लोजपा के साथ भी जो हुआ आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि इसमें किसका गेम था, मास्टर प्लान किसने बनाया था। तो ये जो लोग तोड़ जोड़ की राजनीति जो करते हैं वो लोग जो हैं जितना ध्यान इन चीज़ों में लगाते हैं अगर बिहार और बिहार के लोगों पर लगा देते तो शायद ये नौबत जो है नहीं होती। नीतीश जी कहते थे कि लोजपा में जो कुछ हुआ हमको तो कुछ पता ही नहीं है, इससे उनको कहाँ, उनको कोखा भी पता होता है, ABCD भी उनको कहाँ कुछ पता होता है। वो तो सुबह ना अखबार पढ़ते हैं ना कुछ पढ़ते हैं, हम लोग तो भले भांति हम लोग तो जानते हैं, रह चुके हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। लेकिन फिर भी उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि 27 जिलों में पेट्रोल का डीजल जो है 100 रुपये पार हो गया होगा, उनको ये भी नहीं पता होगा कि बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है, उनको ये भी पता होगा कि सारे लोग जो हैं कोरोना बार पानी में सब लोग तबाह हैं, पुल बनते फिर टूट रहा है, जो 70 घाट जो पुल था वो हमको सुनने में आया फिर से उसका जो है उसमें कट चुका है कई बार थोड़ी सी बारिश में, अभी तो पूरा जुलाई का अगस्त का पूरा बाकी है। तो देखिए अब जो भी उन्होंने किया, लोजपा को उन्होंने 2005 में भी तोड़ने की कोशिश की थी, 2010 में भी उन्होंने लोजपा को तोड़ने का प्रयास किया था, और आप सब लोगों को पता है 2010 में जब एक MLA एक MP नहीं था लोजपा से तो आदरणीय लालू जी ने रामविलास पासवान जी को राज्यसभा मेंबर बनाया था RJD के कोटे से। और अब चिराग को भाई को ये तय करना है कि बंच ऑफ थॉट के पुर्जे के साथ रहेंगे या संविधान निर्माता जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो लिखा है उसका साथ देंगे। साथ आएंगे तो क्या बचेंगे? क्या आपके साथ अगर आते हैं तो भविष्य है? साफ बात है ना, इसमें हमने साफ तौर पे कहा है जो RSS के बाबा, जो बाबा गोवलकर जिन्होंने बंच ऑफ थॉट्स लिखा, वो बंच ऑफ थॉट्स के साथ रहेंगे या संविधान के साथ रहेंगे ये उनको तय करना है।